कल शाम को जब हम लोग सब लाचुंग पहुंचे, इट वाज अराउंड 8 PM इन द इवनिंग एंड इट वाज रेनिंग हेविली। तो मैं तो सोच रहा था कि आज का पूरा दिन का प्लान खराब होने वाला है, बट थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल वेदर, ब्राइट सनशाइन एंड वी आर गुड टू लीव फॉर यमथम वैली। सब लोग बैग लेके निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सिलीगुड़ी वापस भी जाने वाले हैं। वन सेकेंड, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दूर पहाड़ों में देखो, कितना सुंदर लग रहा है ना। इधर हवा भी चल रहा है, उधर क्लाउड डिपोजिशन भी हो रहा है, बारिश होने का कोई चांसेस नहीं है। एट लाचुंग वी स्टेड हियर, द होटल नेम इज लाइक गोल्डन वैली लाचुंग। बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत बढ़िया होटल था। हम लोग जब कल लेट से पहुंचे, हम लोग को लग रहा था कि होटल नहीं मिलने वाला है, पर थैंक्स टू आर ड्राइवर भाई साहब, उन्होंने ये होटल का बंदोबस्त किया। होटल नेम इज गोल्डन वैली लाचुंग। सो रीच एट यमथम वैली, जो कि नियरेस्ट जो टाउन है लाचुंग, वहाँ से 22-23 किलोमीटर पड़ता है एज पर योर होटल लोकेशन। आज हम लोग आगे जाके व्यू का मज़ा लेंगे एंड यहाँ पे अभी 2 घंटे का टाइम है, हम लोग यहाँ पे रुक सकते, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा। आप पूरा ये व्यू देख लो, ये पूरा वैली का व्यू कितना सुंदर है ना। ये बर्फ़ गिरने का टाइम तो पूरा ढका हुआ रहता है। सो यमथम वैली इज लाइक अ नेचर सेंचुअरी विच कॉन्सिस्ट ऑफ रिवर, वाटर बेड्स, हॉट स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, रोडोडेंड्रन फ्लावर्स एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट द स्नो केप माउंटेन ऑफ द हिमालयन रेंज। और अभी बाकी के लोग आगे चले गए हैं, मैं और पलश ये बैट लेके बॉल दिखा जो तपोवन गमुक तपोवन में हम लोग जो क्रिकेट खेले थे, जो बैट बॉल यूज हुआ था, वही बैट बॉल लेकर हम लोग नीचे जा रहे हैं। वो वैली पे हम लोग अभी क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ा प्लेन लैंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग ये खेल सकते। यहाँ पे चालू करें क्रिकेट, सामने स्काउट करके रखा है। नहीं, वो थोड़ा ऊंच नीच लग रहा है, ये प्लेन है ना। आज तो छक्का मारेगा सीधा नदी में। बॉल तुम ही लाओगे। ये चालू हो गया वार्म अप, चालू होगा अभी मैच, पर पास में नदी है, ठीक है, जोर से मारोगे तो तुमको बॉल लाना पड़ेगा। इधर माउंटेन, उधर रिवर, ऐसा ब्यूटी कहाँ पे मिलेगा। तपोवन में मिला था, इधर भी। यस यस। और मत जा, और मत जा। आफ्टर 2017 जनवरी आई एम कमिंग टू दिस यमथम वैली, बट लास्ट टाइम हम लोगों को बाहर रोक दिया गया था क्योंकि बहुत बर्फबारी हुआ था, इतना अंदर तक नहीं आ पाए। बट यह ये प्लेस तो बहुत मस्त है, आज तो पूरा दिन क्रिकेट खेलने का ऐसा मन है। देखो चालू हो गया क्रिकेट, अभी रील्स बनाऊंगा इसके ऊपर पक्का। बोला रेडी, ऑल सेट, परफेक्ट, राइट मीडियम, पिच लुक्स वेरी गुड, या ग्रीन ट्रैक, एब्सोल्युटली परफेक्ट ट्रैक, अपन पिच इज गुड, हां मिडिल स्टंप, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, विकेट पे, विकेट पे स्टार्ट, ओह एलबी एलबी एलबी, अरे यू वांट टू रेफर, यस रेफर, और ये गया
विकेट कीपर बॉल लेने 5 वाइट के लिए। कम ऑन भाई कम ऑन। तो ठीक है कौन फिर से बोल्ड हो गए। अभी हम जाएंगे बैट करने। लो अरे गोमुख पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे ना अभी इसका फाइनल फेस चल रहा है। ठीक है हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम से हर एक ट्रिप पे ऐसा बैट और बॉल लेके जाएंगे। जहां पे वैसे प्लेन लैंड दिखेगा ना हम लोग क्रिकेट चालू कर देंगे। आई थिंक नोबडी हैज डन दिस बिफोर। रिंकू सिंह ओ रेडी ओ माय गॉड ओ दैट्स गोना टेक ओ आउट चला के तो अभी संजय ने सजेस्ट किया ये पिच से भी अच्छा पिच उधर रिवर बेड पे है तो उधर चलते हैं। चलो आउट स्विंग जाएगा भाई आउट स्विंग उमेश यादव का आउट स्विंग छक्का मार सकते ओवर मारूंगा नहीं पर जिसका भी ये बैट है ना बहुत तगड़ा वाला बैट है शॉर्ट से इसमें कर्वेचर भी अच्छा है। तड़ा के विकेट उड़ गया। ओ कैच कैच ओ ओ ओ ए कमा के मार। कैसा लगा बैटिंग हम लोगों का? अभी संजय जा रहा है बैट करने के लिए। फास्ट बॉल शॉट। लास्ट जो तपोवन में हम लोग क्रिकेट खेले थे संजय वाज द मैन ऑफ द मैच। बहुत अच्छे खेले थे। इस बार ही मैन ऑफ द मैच होगा। इस बार भी होने का चांसेस है। ये लास्ट ट्रैक में उतना फिटनेस इतना अच्छा नहीं था तो देख के लग रहा है इतना दौड़ नहीं पाएगा। So dear ICC, are you seeing this footage? We are playing at an altitude of 11,693 feet and at Lachung, at the North Sikkim. और पीछे ये पहाड़ का व्यू और इधर नदी का व्यू। Oh my God! Hey, Umesh! MS Dhoni का डिफेंस दिखाना पहले। वो डिफेंस ही ज़्यादा करते हैं ना? सौरभ गांगुली दादा का स्टेप आउट से वापी बाड़ी जा। Let's go there. So our cook of the group is currently peeling out all the eggs. All the eggs रस्सी नीचे एक कप्पी लाते हैं तो ये कर ले। तो लाचुंग आ रहे हैं तो इससे कांटेक्ट करना। हम लोग कहाँ पे खा रहे हैं? लेकिन पूरा हमने टीम खाची सेट तो टीम। But सबके लिए एक मैसेज ये खाने के बाद ये सब कैरी बैग पॉलिथीन प्लास्टिक अपने साथ कैरी करना इधर उधर मत फेंकना। That's a simple message but a strong one. और इधर हम लोग मूढ़ी भी लाए हैं फ्रॉम बंगाल। बंगाल ब्रेड है खाने में। अरे ब्रेड ऑप्शनल ब्रेड ठीक है। होटल वालों ने बटर जैम सब दे दिया है यहाँ पे। तो एज पर सॉर्ट ऑफ कोविड के लिए हम लोग पिकनिक नहीं कर पाए तो चलो कोई नहीं यहाँ पे आके अभी हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। जस्ट कट वेट टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलोगे इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10:30 बट या काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। वन सजेशन कि रोडोडेंड्रन का जो महीना होता है ना वो बेसिकली होता है फ्रॉम फेब्रुआरी टू जून तक। ठीक है पूरा वैली रोडोडेंड्रन से भरा हुआ रहता है। एंड आई केम टू नो कि अराउंड लाइक मोर देन 24 स्पेसीज ऑफ रोडोडेंड्रन कैन बी फाउंड हियर। एंड दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी में एक्सट्रीम स्नो के वजह से तो बाहर जो आपने मेन गेट देखा वहाँ तक ही आप आ पाओगे इतना अंदर वैली तक नहीं आ पाओगे। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग ये जगह को देख के ना मेरे को वो हर्षिल वाला मेमोरीज याद आता है। ऐसे भागीरथी रिवर फ्लो कर रहे हैं हर्षिल में और यहाँ पे हम लोग बैठ के एप्पल खा रहे थे।
और ये लोगों का तो दिन भर फोटो चालू है, ये स्टैचू बन गया लग रहा है। फोटो उठाने के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लोग आ रहे हैं उधर बैकड्रॉप का व्यू ले रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है भाई, माई हैंड्स आर गेटिंग नम लिटरली। वाओ, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि वेदर प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत रेन का प्रेडिक्शन था, बट कुछ नहीं मिला, इतना अच्छा वाला ब्राइट सनसेट सबको मिला। शुभजीत बाग के साथ ये हम लोग का लास्ट ट्रिप है, लास्ट ट्रिप, कोई लास्ट ट्रिप नहीं, क्यों लास्ट ट्रिप है वो टू बी कंटिन्यूड, बट वो अभी ब्लॉग पे मैं नहीं बोलूंगा, बट लास्ट ट्रिप है, अगले साल भी देखेंगे आपको। थोड़ा बहुत आंखों पे आंसू आ रहे हैं एंड इट विल बी कश्मीर। चलो मिलते हैं सीधा सिंह डैम पे पहुंच के। तो अभी ऑन द वे टू सिलीगुड़ी हम लोग रास्ते में फिर से रुके हैं एक वाटरफॉल के सामने। व्यू तो बहुत सही आ रहा है ऊपर से एकदम नीचे तक। राइट नाउ वी आर हियर एट नागा वाटरफॉल्स चुंगथांग। लोग तो आगे वहाँ तक तो जा रहे हैं बट हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। ये लास्ट जितने बार भी मैं लाचेन और लाचुंग आया ये वाटरफॉल्स में हमेशा रुकता हूँ क्योंकि ये जो वाटरफॉल है उसके साथ ये जो रास्ते का व्यू है ना बहुत सही कॉम्बिनेशन है। दोनों साइड कलरफुल फ्लैग्स, उसके साथ ये वाटरफॉल्स का व्यू बहुत सही रहता है। लोकल लोगों से मेरे को सुनने को आया ये जो वाटरफॉल से इसका जो फ्लो है ना हमेशा ऐसा ही रहता है, ये मॉनसून में इसका फ्लो और भी बढ़ जाता है, ठीक है, और चारों तरफ ये जो जगह है ना पूरा पानी पानी हो जाता है। अभी तो थोड़ा कम है, मॉनसून का सीज़न आना बाकी है, और ऊपर से देख के बहुत डरावना लगता है ना, वैसा ही कुछ है। Seafood. Yeah.
I must say that we are lucky enough this time that we covered all the points and there are no such interruptions. Yes, we are tired, but it was worthy enough, I believe. So with that, sir, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ. I hope you guys have really enjoyed this entire North Sikkim series. Stay subscribed to my channel, The Bomb Way Fairer, and you can DM your queries on Instagram as well as iabra92. Till then, goodbye, take care. See you soon. Love you all.